ईडी ऑफिस से बाहर निकली सोनिया गांधी। 2.5 घंटे तक चली पूछताछ। विजय चौक पर पुलिस ने राहुल समेत 50 सांसदों को लिया हिरासत में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली। वहीं पूछताछ के खिलाफ पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार न तो चर्चा कर रही है न बोलने दे रही है। कांग्रेस नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये आवाज कुचलने की कोशिश है, केंद्र एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। राष्ट्रपति भवन जाने से कांग्रेसियों को रोका गया। खाड़के वेणुगोपाल भी हिरासत। राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खाड़के, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल समेत 50 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि इन सांसदों को कहीं अज्ञात जगहों पर पुलिस ले जा रही है। कांग्रेस के ये सभी सांसद पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च करते हुए जा रहे थे। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस के बड़े नेताओं को राजघाट भी नहीं जाने दे रही है, हमें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हालांकि दफ्तर के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। सोनिया से पूछताछ के दो बड़े अपडेट्स। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर कांग्रेस को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। संसद सत्र चलने की वजह से प्रदर्शन करने पर रोक मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई। दोस्तों ये थे बड़े अपडेट। आपका इस पर क्या विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार सही कर रही है या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।